उस तपस्वी की तलाश में जब सम्राट स्वयं जाने का फैसला लेते हैं, तब सम्राट का सेनानायक आता है और कहता है, सम्राट। अरे चक्रपाणी, क्या हुआ? सम्राट, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुमसे कोई गलती हो सकती है भला? तो सम्राट, आपके सेवक के होते हुए आप कहाँ जा रहे हैं? चक्रपाणी, ये मेरी प्रजा का सवाल है, इसलिए मैं स्वयं जा रहा हूँ। और जब तक मैं ना जाऊँ, तब तक राज्य सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है सम्राट, आपकी जैसी आज्ञा। सम्राट, आप निश्चिंत होकर जाएं, जब तक मैं हूँ इस राज्य पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। सम्राट के भाले से बिच्छू राजा के सैनिक को मारकर विराज अपने मालिक को सूचित करने के लिए उनके महल पहुंच जाता है। आ गए विराज, मैं जानता था तुम ये काम बखूबी कर सकते हो। लाओ विराज, सम्राट का शाही फरमान तो पढ़ लें जरा। शाही फरमान, संधि का प्रस्ताव स्वीकार है? हाँ। विराज, हमने ये आग में शाही फरमान ही नहीं डाला, आग में हमने घी डाल दिया है। अब देखते हैं सम्राट कुंभा कैसे बचता है बिच्छू राजा से। सम्राट, ये कैसा लिबास धारण किए हैं आप? चक्रपाणी, ताकि मुझे कोई सफर में पहचान न सके। सम्राट, आपकी सुरक्षा के लिए हमने सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार कर दी है। नहीं चक्रपाणी, ऐसे में हमें कोई ना कोई पहचान ही लेगा कि हम कौन हैं। सम्राट, अगर ऐसा है तो मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता, इससे अच्छा है मैं चला जाऊं। बहस मत करो चक्रपाणी, तुम्हारी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। क्षमा करें सम्राट, मैं अकेले आधी रात को सादे लिबास में इसलिए जा रहा हूँ चक्रपाणी, ताकि मेरे शत्रुओं को मेरी खबर न लग सके। सम्राट, आप सुरक्षित रहें, इसके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। और जब तक मैं वापस न आ जाऊँ, तब तक इस राज्य का ध्वज ऐसे ही लहराता रहे। चिंता न करें सम्राट, इस राज्य का ध्वज ऐसे ही लहराता रहेगा। और अगर इस राज्य पर कोई और ध्वज लहराया तो समझ लीजिएगा सम्राट कि आपका ये सेवक जीवित नहीं है। चक्रपाणी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इस राज्य की सुरक्षा तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। अब मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर सम्राट आधी रात को सादे लिबास में उस तपस्वी की तलाश में निकल जाते हैं।